हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजे जॉब्स अपडेट में। इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहां पर स्पेशल एजुकेटर के अस्थायी पदों पर भर्ती के लिए यहां पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कुल पदों की संख्या की बात किया जाए तो यहां पर कुल 7 पद रिक्त है जो कि आपका अस्थायी रूप से यहाँ पर भर्ती किया जाएगा, जो कि आपका मेरिट के बेसिस पे, कोई भी यहाँ पर एग्ज़ाम जो है कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर जो वैकेंसीज है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा माध्यमिक जिला बस्तर छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है 7 अगस्त 2023 को, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है समग्र शिक्षा के अंतर्गत यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर यहाँ पर देख सकते हैं विकासखंड स्तर पर ब्लॉक के अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर के जो अस्थायी पदों पर एक निश्चित या एक मुश्त वेतन 20,000 रुपये प्रति माह के दर पर यहाँ पर आपका जो है भर्ती किया जाना है। तो जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है और इसके लिए जो योग्यता है वो रखा पूरा करते हैं, वो इसके लिए यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन जो है आपको साधारण डाक या कुरियर या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आपको करने होंगे। अंतिम तिथि जो है आवेदन करने का वो आपका दिया गया है 21 अगस्त 2023 शाम को 5 बजे तक। दिए गए पते पे पता रहेगा आपका यहाँ पर शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा माध्यमिक जिला बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़। इस पते पर आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट या फिर जो भी है कुरियर डाक के माध्यम से आपको करने होंगे। रही बात इसके लिए जो है योग्यता की बात किया जाए तो स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, साथ में बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की जो संख्या है 7 है, एक मुश्त वेतन आपको दिया जाएगा 20,000 रुपये। पद का नाम है स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। बाकी जो ये जो पद है आपको विभिन्न वर्गों के विभाग से बांटा गया है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर कोई भी पद नहीं रिक्त नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर कुल 4 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है और अनारक्षित के लिए 2 पद, इस प्रकार कुल 7 पद है। तो जो भी अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से हैं तो उस पद का लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। अन्य नियम शर्तें की बात किया जाए तो इसमें भारत सरकार जो है स्वीकृति अवधि 3 माह के लिए जो है अस्थायी रूप से यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। या जो भर्ती है आपका आवेदक कलेक्टर दर पर या फिर पदेन जिला मिशन संचालक को नियुक्ति हेतु यहाँ पर दावा नहीं कर सकती है। इसके लिए यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर सर नियम शर्त में दिया गया है, ठीक है। तो बाकी जो भी अभ्यर्थी हैं इसके लिए इंटरेस्टेड हैं जल्दी से जल्दी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा वगैरह इसमें देख सकते हैं, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और बाकी यहाँ पर विज्ञापन में जो भी दिया गया है। आवेदन पत्र के साथ आपको 10-10 रुपये का टिकट, आपको वर्तमान पते का स्पष्ट होना, यहाँ पर ये सभी डिटेल्स आपको इसमें भरने होंगे। इसके बाद जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उनका यहाँ पर मेरिट अंक के आधार पर यहाँ पर एक लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से अपने आवेदन जो है भर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप जो है इसी पीडीएफ के लास्ट में जो दिया गया है इसको अच्छे से भर के आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।